हेलो फ्रेंड्स, मैंने कार स्पीकर मंगाया फ्लिप कार से। तो पहले हम बॉक्स का सीन पैक चेक कर लेते हैं, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि आजकल कोई फ्रॉड कर देता है तो हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारे साथ प्रूफ रहना ज़रूरी है ताकि हम पूरे वीडियो बना ले उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स को खोलने के लिए। उसके ऊपर लगी हुई तो इसके अंदर हमारा बॉक्स तो है, पर इस बॉक्स को भी हमें देखो, ये टूटा हुआ है ना। तो पूरे तरह चारों तरफ से देखना जरूरी है, क्योंकि कहीं पर डैमेज है तो हमारे पास वो रहता है कि इसकी वजह से इसके अंदर टूटा हुआ है, ठीक है। ये बिल चिपकाया हुआ है, पूरा ये बॉक्स है जो चारों तरफ से हमें देख लेना है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। ये दो जगह पर डैमेज है, ठीक है। तो अंदर से अगर स्पीकर हमारे खराब होते हैं निकलते हैं तो हमारे पास ये प्रूफ रहेगा कि इसके अंदर से ही ये ख़राब है। ये देखो है ना, सील तो पैक है लेकिन डैमेज है, तो ये देखना ज़रूरी है। अब खोलते हैं इसके अंदर से स्पीकर है ओरिजिनल है या कुछ और तो नहीं है। बहुत बार होता है, हमने देखा है, तो इसलिए चेक कर लेते हैं। कुछ भी मंगवाते हो ऑनलाइन से तो वीडियोग्राफी शुरू ही रखना है। ओके, स्पीकर तो है, दो स्पीकर है उल्टा सुल्टा। ये थर्मोकोल तो टूटा हुआ है, देखा ना। चलो अब इसको थर्मोकोल से निकालते हैं। कार में तो ऑलरेडी फिट है, तो इसका कोई काम नहीं, कभी कभी काम होगा। और ये प्लास्टिक की थैली के अंदर बैठ के स्पीकर निकालते हैं इसके अंदर से। देखो ये फोर स्पीकर ऊपर है और एक बड़ा नीचे है, फाइव स्पीकर है इसलिए। और इसके अंदर दो कॉइल्स अलग अलग आती हैं, ये बड़ी वाली कॉइल नीचे है और इसके ऊपर एक छोटी वाली कॉइल है, और छोटी वाली कॉइल पे चार स्पीकर ऊपर लगे हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। ये सोनी का स्पीकर है और पूरा टूटा हुआ है, फिर भी इसके अंदर से बेस निकलते हैं, सोचने की बात है। स्पीकर में वॉल्यूम और बास का डिफरेंस चलिए फ्रेंड, इसका अब ऑडियो सुनते हैं कैसा साउंड आता है, ठीक है। सुनने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।